गुज़िश्ता दिनों मेज़ेनेट होटल लाहौर में द फर्स्ट यंग एंटरप्रेन्योर एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया ग्लैम स्टॉप पीआर एंड इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए यंग एंटरप्रेन्योर्स को पार्टिसिपेट करने और अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का मौका मिला। While I was running my online magazine by the name of Glamstop, people used to approach me for promoting their stuff. So we thought, why should not we exhibit their stuff under one roof? और आज हमारे पास माशाल्लाह से per day 50 stalls हैं और ये सब वो बच्चे हैं, इनकी कैटेगरी वो है, इनके पास ना कोई आउटलेट है और ना ही कोई वेबसाइट है, और अगर इनके पास अपनी वेबसाइट है भी तो इनकी इतनी मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई हुई हमारी। माशाल्लाह अभी तक वी हैव गॉट एन अमेजिंग रिस्पांस। ये इस किस्म की जो एग्जीबिशंस हैं दे आर वेरी यूज़फुल। यहाँ पे सारे यंगस्टर्स आए हुए हैं, सब ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, कुछ की ज्वेलरी के बारे में, कुछ के कपड़ों के बारे में और कुछ की हाउस होल्ड आइटम्स के बारे में। तो ऐसी एग्जीबिशन ज़रूर होनी चाहिए बिकॉज इस तरह बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है सारे यंगस्टर्स को अपनी चीज़ें और अपना टैलेंट डिस्प्ले करने का। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की कलेक्शन डिस्प्ले की हुई है। मेरे हस्बैंड का ब्रांड नेम है फुरकान अफजल और उनके सारे जो डिज़ाइंस हैं वो बेसिकली इंस्पायर्ड हैं बाय ज्वेलरी, और ये सारे कुछ फॉर्मल्स में हैं, कुछ कैजुअल्स में हैं, कुछ सेमी फॉर्मल्स हैं और कुछ ब्राइडल है, इवनिंग वेयर है। इस एग्जीबिशन के जरिए ना सिर्फ पाकिस्तान के यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिली जॉब मार्केट में, बल्कि ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ से ताल्लुक रखने वाले यूथ को पार्टिसिपेट करने और बिजनेस आइडियाज को प्रमोट करने के साथ साथ मार्केट करने का भी मौका मिला। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया है। मैं इस्लामाबाद से पूरा यहाँ पे आई हूँ कि यू नो हम नोन हो इसके लिए और वी डोंट लेट दिस डाउन, और बस आई लाइक टू थैंक देम फॉर होल्डिंग सच एन इवेंट। मैं अपना ब्रांड आईना यहाँ पर डिस्प्ले किया है और पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है यंग एंटरप्रेन्योर्स एग्जीबिशन, ये एक नहायत ही पॉजिटिव मूव है पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, और इस तरह के और इवेंट्स तो फ्रीक्वेंटली होने चाहिए। इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया वेरियस यूनिवर्सिटीज के बिजनेसमैन और क्रिएटिव स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने इस एग्जीबिशन के जरिए अपने टैलेंट और स्किल्स को शोकेस किया। ऐसी एक्टिविटीज ना सिर्फ ये कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं यूथ की इकोनॉमिक ग्रोथ में, बल्कि इसके साथ साथ इनोवेटिव यंगस्टर्स की प्रमोशनल नीड्स को भी केटर करती हैं। आई थिंक बहुत अच्छी बात है क्योंकि यंग आर्टिस्ट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल दे कैन एग्जिबिट देयर वर्क एंड इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। इट्स आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड पीपल हैव शोन अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आवर वर्क।